इसलिए सबका नाम नहीं ले सकते हैं। सभी मंचासीन सबका अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। मंडल से इलाहाबाद के सभी विधानसभा से आए हुए हमारे सारे विधानसभा के लोगों का मैं अपने तहे दिल से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मैं अभी तो सभी लोग बता ही रहे हैं और आगे बताते ही रहेंगे, इसलिए मैं साठ में बता रहा हूं कि यहां पे आए हुए सभी विधानसभा के लोगों से मैं ये पूछना चाहता हूं कि इस बार पांचवी बार बहन मायावती जी को कितने लोग मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं, हाथ उठा करके एक बार दिखा दें। अगर सभी लोग बहन मायावती को अगर पांचवी बार मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और देखना चाहते हैं तो मैं सभी से ये कहूंगा कि सारे विधानसभा के प्रत्याशियों को अगर मजबूत नहीं करेंगे, जिताएंगे नहीं, तो बहन जी पांचवी बार मुख्यमंत्री कैसे बनेंगी। इसलिए हम आप लोगों से आग्रह करूंगा, आए हुए जितने भी लोग हैं सबसे आग्रह करूंगा कि प्रयागराज के इस पावन धरती पर आप लोग एक प्रतिज्ञा लेकर के जाइए कि विपक्षियों को इतना लताड़ दीजिए कि जिससे कि इनका उस विधानसभा में उसकी प्रत्याशी की जमानत जब्त हो जाए। मैं आप लोगों से कहना चाह रहा हूं कि एक शॉर्टकट में मैं एक दो लाइन का बता रहा हूं कि तख्त बदल दो 2022 में, यह निकम्मी सरकार बदल दो। मैं आप लोगों से एक बार फिर गुजारिश करूंगा कि आप लोग सब यहां से प्रयागराज की धरती पे इस हनुमान जी लेते हुए, हनुमान जी के आप लोग आशीर्वाद लेते हुए आप लोग इस चीज को अपनी अपने अपने विधानसभाओं में सभी प्रत्याशियों को जिताने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय परशुराम।